को पूरा उधार दिया। जब मुझे उधार दिया पूरा, तो मेरी घरवाली फैट करने लगी, तो मेरी घरवाली के हाथ में छुरी घुसेरा यहाँ से पार कर दिया। तेरा जो जाएगा बचाने के लिए उसको भोग दूंगा, फाड़ दूंगा। कंप्रोमाइज नहीं करेगा तो हम मर्डर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेजतर्रार न्यूज, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं बवाना की जेजे कॉलोनी में, जहां एक ऐसी घटना सुनने में आई है कि जिसे सुनकर कोई भी घबरा जाए। यहां पड़ोसियों की आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, जिसमें एक पड़ोसी ने दूसरी पड़ोसी की इतनी रंजिश बढ़ गई कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की जान लेने से पहले सोचा तक नहीं। पड़ोसी जो थे वो इस घर में रहते थे और उन्होंने ये सामने वाले घर के सदस्यों पर आकर हमला किया, वो भी चाकू से हमला करा। और उस घर के तीन सदस्य जो हैं, वो उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है चाकू से हमला करने के बाद, और जो दो जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। इसी को लेकर आइए बात करते हैं उनके और परिवार के सदस्यों से। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लाल मोहम्मद है। सर, क्या हुआ था, पूरी किस बात की रंजिश थी? रंजिश ये इस बात की थी, पहले इन्होंने मुकदमा कर रखा था, मेरे को मारा था, मेरे दांत सारे तोड़ दिए थे, तो कुछ बचा हुआ दांत था, तो अब की बार लड़ाई में अभी टूटी है ये सारे दांत, तो इस बात की थी, इसी बात की रंजिश लेके बार बार बोलते थे कि अपना मुकदमा हटाओ नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने कहा देखो, मुकदमा का जो फैसला है वो हमारा कानून करेगा, हमारे देश के जो कानून है वो करेगा, हमारा कोर्ट फैसला जो करेगा वो हमें मंजूर होगा, चाहे वो ख़त्म कर दे चाहे जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, वो हमारा कोर्ट करेगा, हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बोला नहीं कर सकते तो हम करेंगे फिर, तो तमाम तो ये किया उन्होंने हमारे साथ। मैं घर से गया हुआ था, मेरी बच्चे लड़की है यूट्यूब पे मेरी लड़की का फोटो भी काम भी करती हैं हरियाणवी गाने में, और मेरी मिसेज मुझे ऊपर बैठी हुई थी, सब तो ये लोग गंदी गंदी नीचे बैठ के गाली दे रहे थे, 5-7 लंडे लड़के लेके बैठे हुए थे। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस टाइम बाहर था, तो बाहर से मैं आया तो पापा मम्मी के यहाँ गए थे खाना वाना खा के, और मम्मी पापा ने बोला जाओ घर आराम से सो जाना। मैं ठीक है आया, आराम से चढ़ने ऊपर चढ़ गए तो बोला गाली देने लगा, ओए कहाँ जा रहा है तू, क्या बदमाश ये वो, नहीं हटाएगा केस। मैंने कहा भाई तू ऐसी बातें कर रहा है, इतनी देर में दरवाजा बंद करते क्या, इतनी देर में दौड़ के आ गया कि नहीं नहीं करेगा दरवाज़ा बंद और यहीं रहेगा यहाँ पर। फिर मैंने कहा भाई टूटू में शुरू हो गई तो बस वो बाल पकड़ के मेरा नीचे खींच लिया यहाँ से हैं। उसके बाद जब मेरा बाल मुझे मारने लगे तो मेरी घरवाली आई मुझे बचाने के लिए, मेरी बेटी आ गई मुझे बचाने के लिए। इतनी देर में उन्होंने छुरी निकाल के मेरे को पूरा उधार दिया, जब मुझे उधार दिया पूरा, तो मेरी घरवाली फैट करने लगी, तो मेरी घरवाली के हाथ में छुरी घुसेरा यहाँ से पार कर दिया। फिर मेरी बेटी के यहाँ मारा तो आँख निकल गई उसकी, यहाँ से आँख निकल गई उसकी, तो आँख बाहर आ गई उसकी, तो उसके बाद ये यहाँ पे मारा तो ये पूरा ही है, प्लास्टिक सर्जरी कह रहे होंगे हॉस्पिटल में, पूरा ये उतार दिया, और फिर हम सब तो वो हो गए बेहोश, और वो फिर भी मारते रहे, फिर भी एंड में भी मारते रहे, दांत सब तोड़े, फिर तो बचा कुचा भी कह रहा, और बचा कुचा भी तोड़ दूंगा, बचा कुचा भी तोड़ दूंगा। लोगों ने उन्हें रोका नहीं मारने से? कैसे, वो थे 5-7 लड़के, लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई आस पड़ोस में? आस पड़ोस डर सारे भाग गए, चाकू छुरी चला रहा था ना, सब डर से भाग गए, आस पड़ोस वाले सब हट गए कि कोई मुझे न मार दे, हमें न लग जाए, हमें न, सब आपको अपने अपना जान का डर, सब चले गए, तो सब भाग गए। तो उसके बाद ये लोग मुझे उठा, हमें उठा के ले गए, और वो जो उसका नाम है साहिद, मैंने साहिद, साकिर और जाहिद, तीन लोग थे, तीन मैन है, और उसके साथ एक अन्ना, एक अयान, और मतलब ये पांच, इसका नाम सलीम, हाँ समीम, ये छह, तो छह पक्के हैं, उनके अलावा उनके दोस्त यार और भी पास। कुल मिला के कितने लोग होंगे? कुल मिला के कम से कम ये मैडम थे, कम से कम नहीं भी तो 8-10 लोग। 8-10 लोगों ने आप एक अकेले इंसान पर हमला करा, और आपकी बीवी और बेटी बचाने आई तो उनके ऊपर भी हमला करा। जी मैम, बस यही बात है मैम। इस मामले में पुलिस आपकी क्या सहायता कर रही है अब तक? पुलिस अब तक मेरी
कोई सहायता नहीं, बस हॉस्पिटल पुलिस भी हॉस्पिटल भी नहीं लेके गई पुलिस हमारे को, और हमारी प्राइवेट हमारे भाई की गाड़ी है तो हमारा बच्चे है वो लेके गया हमें हॉस्पिटल तक, और हॉस्पिटल में अब मुझे तो मैम ये भी नहीं बताया किसी ने कि मेरी बीवी यहीं स्पोर्ट कर गई, मुझे तो शाम को बताया कि तुम्हारी बीवी स्पोर्ट कर गई वहाँ हॉस्पिटल में, तो मैं हॉस्पिटल से ही आधा आधा काम करा के भाग आया, मैं डिस्चार्ज भी नहीं दिया, मैं वहाँ से भाग आया, जो मुझे मिट्टी भी नसीब ना हो मैं भाग आया। मेरी लड़की अभी भी कोमा में पड़ी हुई है बोली ये सफदरगंज में, और वहाँ से मैं भाग आया क्यों कि मेरी मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरी घरवाली मर गई है, वहाँ पे मुझे डॉक्टर के मुँह से निकल गया कि जब घरवाली मर गई है भी लड़की आपकी वहाँ मरने को तैयार है और आप ये टाँके और ये वो कर रहे हो और आप ऐसे कर रहे हो ये कर रहे हो, तो तब जाके मैं वहाँ से भागा कि मुझे मेरा सब कुछ उजड़ गया तो मैं क्यों इलाज कराऊँ, मुझे कुछ भी नहीं थी डिस्चार्ज कुछ भी नहीं थी, तब मैं बात क्या है मैम ये है मैम बस और कुछ। आपकी मांग इस वक्त क्या है? बस मेरी मांग ये है मेरे इंसाफ होना चाहिए बिल्कुल मेरे पास बाकायदा, क्योंकि ये मेरे पहले भी मुकदमा चल रहा है इन पे मैम, पहले भी इन पे मुकदमा चल रहा है और अब भी मुकदमा, अब ये देख लो ये जो आपके सामने ही है पहले से मुकदमा चल रहा है, पहले उसी मुकदमे के धमकी की वजह से ही ये हमारे साथ किया जो हमने वापसी नहीं लिया, हमने न्याय व्यवस्था पे छोड़ दिया कि वो जो होगा हम वही फैसला करेंगे, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो न्याय करेगा फैसला हमें उस पर मंजूर है, अपने हाथ में हमने कानून नहीं लिया, नहीं तो मैं चाहता तो मैं भी हमारे भी हाथ है हम भी चाकू छुरी है वो चला सकते थे, मगर मैं नहीं, मैं मुझे न्याय पे बहुत भरोसा है, न्याय फैसला करेगा मैं बस मैं जी। सर आप बताएं कि क्या हुआ था, क्या था पूरा मामला कि इतनी रंजिश बढ़ गई, क्या था मामला? ये है जी मेरा बेटा है, ये मेरी बहू थी, मेरी पोती है, तीनों का मर्डर कर दिया इसने, ये पुराना रंजिश आज से 7 साल पहले एक बार और इनके साथ घटना किया था, ऐसी चीरफाड़ कर दिया था, मार दिया था जान से इसको। ऐसी क्या बात थी कि जिसके पीछे इतना वो करा? कोई नहीं, ये उधर से आ रहा था गलियों से और ये बदमाश है ये लोग, वो पकड़ लिया वहाँ पे इनको और चाकू छुरी से इन पे वार किया, पकड़ के दांत तोड़ दिया, कान फाड़ दिया, सर फाड़ दिया था, हाथ फाड़ दिया था, तो वो केस इनका चल रहा है रोहिणी 206 नंबर कोर्ट में, अब जो है हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं कोर्ट में, वहाँ कोई सुनवाई तो है नहीं, कोई कुछ सजा मिला नहीं इनको आज तक, कोई पकड़ा नहीं। ये आप 7 साल पहले की बात बता रहे हैं? 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब ये जो बार बार तारीख पर हम लोग जा रहे थे तो ये तारीख मिलता रहा, हम लोग तारीख पर जाते रहे, अब ये प्लानिंग बनाया कि अगर नहीं हमारा केस उठाएगा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो हम मर्डर कर देंगे। उन्होंने जो पुराना जो केस था उसको लेकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा, आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा तो उन्होंने धमकी दी और फिर वो मर्डर कर दिया। फिर उन्होंने ये मौका पा करके, ये लड़का मेरी बहू जो मेरे घर से आ रही थी रात को 10:30-11 बजे में, खाना वाना खा के वहाँ से हम इनको भेजा था, हमने सोचा भी नहीं कि ऐसा घटना होगा, जब मेरा बेटा बहू यहाँ आया तो ये लोग बंधन के तैयार थे चाकू लेकर के, पहले से ही तैयार थे और आपका बेटा बहू कहीं गए हुए थे, और मुझे भी मालूम नहीं था कि आज ये घटना घटेगा, तो मैं अपने बेटा बहू को भेजा था कि जाओ तुम अपना खा पी के आराम से सो जाओ, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, और यहाँ जो ये लोग घटना घटा तो ये पहले तैयार था, इनको देखने के लिए तड़पता था, सब 7-8 लेबर थे, लड़की 3-4 लड़की है इनके साथ, औरतें लड़का है 6-7, तो सारे मिलके यहाँ बैठे थे ये कट्टे पे, यहाँ बैठ करके गाली दे रहे थे, जब ये लोग गली में घुसा तो उन्होंने देखा कि हाँ आ गया तैयार हो जाओ, आते ही ये लोग चाकू छुरी चलाना चालू कर दिया, तीनों को मार के यहीं घेर दिया। तो आप यहीं आस पड़ोस में ही रहते हैं? जी मैं रहता हूँ ई ब्लॉक 249 में, ई ब्लॉक उधर रहता हूँ, जब हमें पता चला तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था तब हम आए, अब हम आए मैं तो यहाँ तो आया नहीं, यहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाके देखा तो जी एक की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, सब कह रहे थे यहीं डेथ हो गई, तब मैं मौजूद था वहाँ पर। तो जैसे जिस वक्त उन पर हमला किया गया वो आपने वो दृश्य नहीं देखा? जी नहीं, बाकी पता यहाँ से पता चला है कि ये बड़े क्रिमिनल हैं, इनसे लोग डरते हैं इसलिए इनको कुछ बोलते नहीं लोग, बस यही बात है। तो जिस वक्त वो घटना घटी आप यहीं पे थे? यहाँ पर थे, आपने वो काम पर से आई थी 9 बजे, फिर मेरे पास था लड़का था तो इसको दाल फड़ा 80 रुपया का ला दिया, ये खा लिया, फिर मेरी बहू गई बोला जाहिद गंदा गंदा गाली दे रहा। अच्छा
अच्छा, तो पहले से उन्होंने गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे बहू, मैं बोली जे चल गाली दे रहा है तो देने दे, छोड़ दे इसको, कुछ मत बोलियो। फिर आई, फिर गंदा गाली दे रहा था। पहले से पहले 10,000 आदमी को ऊपर रख रखा है। नीचा बोला जो वो आएगा ना तो उसके देखती है दो सी नीचा लगा हुआ है, बोले वो आएगा ना तो उसको पकड़ लियो और चाकू मारने लगी। वो जैसे आई गली में घुसी दोनों परानी, वैसे वो चाकू पकड़ने लगा। और उसकी बीबी आई, बोले छोड़ दो छोड़ दो, तो बीबी कभी चाकू मार दिया बाय में। तो पहले हुआ क्या था कि जो आपके बेटे हैं वो आए थे, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने उसे चाकू मार दिया। फिर हाँ। आपकी बहू उन्हें बचाने आई तो उसको भी चाकू मार दिया। और उसकी भी बीबी आई जो मत मारो, मार दो जान से क्या, उसको भी मार दिया चाकू। अपनी बीवी को भी मार दिया? अपने बीवी का भी मार दिया चाकू। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में चुरा के इलाज करा रहा, पुलिस का मालूम नहीं होने दिया। इसके पीछे वजह क्या रही चाकू मारने के पीछे? वही पुराना झगड़ा, जो मेरा केस तुम 17 तारीख का कि 2 तारीख का फैलन है, तो बोला मेरा केस उठा लो। तो मैं बोला आज कोर्ट का आदमी है 50 पब्लिक का पंच है, 5 पंच है गांव का, पंच किस लिए, पुलिस किस लिए है, तो इसको बैठाओ। और कुरान का दरमियान हाथ रख के बोलो जो मैं भी 16 कर लेता, तू भी 16 कर ले, कोई झगड़ा लड़ने होगा भाई भाई मिल कर रहूँगा, कोर्ट से कागज बना लो। ये बोला नहीं करेगी तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो वो आपसे सुलह करना चाहते थे लेकिन हाँ। आप लोगों ने सुलह नहीं करी? करी, मैं बोला बैठाओ तो अब करे का मौका देगा तब ना, तो लोग बीच में चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि जिन्होंने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया वो इसी घर में रहते थे, और हम देख पा रहे हैं कि इस घर पे ताला लगा हुआ है और वो इस वक्त फरार हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे पड़ोस में अपनी दहशत फैला रखी थी और यहाँ के जो लोग थे वो उनसे बहुत डरते थे, उन्हें डर रहता था कि कहीं वो उन पर हमला ना कर दे। और जिन पर उन्होंने ये हमला करा है उनका घर वो सामने हमें दिखाई दे रहा है वो है, उन्होंने रात को पहले से ही बताया जा रहा है कि प्लानिंग कर रखी थी और जैसे ही वो लोग आए उन पर उन्होंने सीधा हमला चालू कर दिया। उस महिला का एक और परिवार का सदस्य यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताएं कि क्या था मामला, क्या हुआ था, आपने किस हालत में उन्हें पाया? मामला ये था मैम कि मैं दिल्ली से आया था, करीब 10 मिनट बीते थे मेरे को घर पे आए हुए, तो मेरा एक छोटा भतीजा घर पे एकदम से रोता हुआ आया। मैं खाना खा रहा था तो कहने लगा अम्मी को पापा को चाकू मार दिया। तो मेरी वाइफ वैसे ही निकल के भाग निकली, अपनी बहन, वाइफ उनकी बहन है, हाँ उनकी बहन है, वो ऐसे निकल भागी देखने के लिए क्या हुआ। आके उसने मौके पे पाया कि मेरे जीजा, उसके जीजा को चाकू से लोहूलुहान यहाँ पड़े हुए थे, उनकी बहन नीचे पड़ी हुई थी ऐसे, उसकी भांजी के चाकू लगा था, वो पकड़ लगा था, हाथ वगैरह निकल रही थी उसके पेट से। उसने, उसके दोस्त ने, मेरे साड़ू के दोस्त ने और उसके भतीजे मुझे लगते हैं कोई रास्ते में, उसने दुपट्टा लिया मेरे घर वाले का, उसके पेट पे माना और वो अपनी गाड़ी के अंदर उठा के अंदर स्पॉट लेके गए अस्पताल। आप उस वक्त नहीं आए थे यहाँ पर? उस वक्त मैं नहीं था। मैं देखा फिर कि वो रोती भी आ रही है मेरी भतीजी को लेते हुए, मैंने फौरन अपनी गाड़ी में बैठाया, मौके पर अस्पताल पहुंचा। तो वहाँ जाके अस्पताल में देखा मैंने कि मेरे साड़ू को और उन लोगों को टाकेलवाल जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहाँ अंदर ऑफिस में उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैंने अपने साली को देखा डेड हो चुका था उनका, वहाँ देख करके आया। फिर मौके पर वहाँ पर और भी ऑफिसर आए, ACP आए हमारे, DCP साहब। लोगों ने पुलिस को उसी समय बता दिया था, शिकायत कर दी थी? उससे एक घंटा पहले ही कॉल हो चुका था। और वो कितनी देर में आए पुलिस? तो मेरे सुनने में आए काफ़ी देर में आई, जब वारदात हो चुका था, घटना होने के बाद पुलिस आई थी। पुलिस ने यानी बहुत ढीलापन दिखाया इस चीज़ में, इस मामले में तो लो है क्योंकि रात का समय भी था और मौके पर पुलिस वाले और कहीं पेट्रोलिंग पे होंगे, इसलिए आने में। आसपास का नज़दीकी थाना कौन सा है? नज़दीकी थाना अपना पड़ जाता है भवाना और हम NIO के थाने में नरेला बोरगढ़ थाना पड़ता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा थाने का। पुलिस ने अभी तक क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है, क्या कदम उठाए हैं? पुलिस अभी तक जो है आरोपियों को पूरे तरीके से पकड़ नहीं पाई है, जिसमें से कुछ महिलाएं भी हैं उन पर कोई सख्ती नहीं है, ढील दे रखा है काफ़ी, और 5 जने को अरेस्ट कर रखा है उन्होंने, जिसमें से 4 जने को तो हम खुद थाने में देख के आए थे और 1 जने को यहाँ तहकीकात के लिए गाड़ी में बैठा रखा था, तो वो लेके घुमा के चले गए। उनमें से 4 लोगों को अभी पुलिस ने पकड़ लिया है? 5 लोगों को, मेरे 5 लोग, 5 हो चुके हैं, 5 को अरेस्ट कर रखा है, बाकी फरार है। कुल मिला के लोग कितने थे? लोग तो मैम जेंट्स में मेरे सुनने में आया है 7 है, और जो वीडियो मेरी भतीजे ने पहले बना रखा उस वीडियो में भी 7-8 बंदे पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार घटना देना, इस वारदात को प्लानिंग कर रहे थे, उसके वीडियो में ऊपर से छत के ऊपर से बना रखा है मेरी भतीजे ने, वो वीडियो हमारे पे है। यानी कि ये घटना उन्होंने पहले से ही सोच समझ के रची है पूरी? जी हाँ, ये घटना के काफ़ी पहले भी कई दफ़ा झगड़ा हो चुका है इस चक्कर में, और चाकू छुरी भी चल चुकी है, और मेरे साड़ू का पहले दांत भी तोड़ रखा है इस मामले में, उसका झगड़ा चल रहा था, उसको केस के वापस लेके तनाव रहता था दोनों सामना सामने में,
और उसका मौके का फायदा जिस दिन मिला उन्होंने मौके पे देखा घर में कोई है नहीं, दो लेडीज और एक आदमी वो भी उम्र दराज नशेबाज, उसको मौका देख करके लोगों ने बात करना चालू कर दिया छुरियों से। हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, उस महिला के परिवार के सदस्यों से बात करी और उनसे भी बात करी जिनके ऊपर ये हमला किया गया था, तो उन सबका यही कहना है कि आपसी रंजिश का मामला था और ये जो आपसी रंजिश थी वो 7 सालों से चल रही थी और इन्होंने उन पर जिन्होंने हमला किया उन पर एक केस कर रखा था जो ये वापस नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि ये चाह रहे थे कि न्याय हो और उन्हें इंसाफ मिले। उस तरह से उन्होंने इन्हें केस वापस लेने के लिए कहा तो उन्होंने ये नहीं माने तो उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया, धमकी दी इन्हें और फिर हमला कर दिया। और इस हमले में जो है पूरा परिवार उजड़ गया, एक महिला की इन जो फैमिली की मेन जो मेंबर थी उसकी जान चली गई है, उनकी बेटी इस वक्त कोमा में है और जो पुरुष है इस घर के वो बहुत ही ज़्यादा घायल है। हमने उनसे बात भी करी और उनकी भी इस वक्त पुलिस प्रशासन से इन्होंने कहा कि पुलिस जो है इस मामले में वो आई और उन्होंने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी करा है। कुल बताया जा रहा है कि वहाँ पर 10 से 11 लोग थे वहाँ पर और इन लोगों की पुलिस से भी यही मांगा कि वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और हमारे देश के न्यायालय से इनकी मांग है कि जितने भी लोग थे उन सबको फांसी हो और इनकी जो गई है जान, अभी इस महिला की जो जान गई है उसे इंसाफ मिले और जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।